हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला की मौत पर लखनऊ में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। छोटे इमामबाड़े से बड़े इमामबाड़े तक निकाला गया कैंडल मार्च। इस दौरान लोगों ने इसराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हजारों की तादाद में बूढ़े, बच्चे, नौजवान और महिला इसमें शामिल हुए। लोगों ने बड़े इमामबाड़े पहुंचकर नसरल्ला की मौत पर मातम मनाया और इसराइली प्रधानमंत्री का पोस्टर भी जलाया। गाजियाबाद से खबर, जहां पर फिल्मी अंदाज में मासूम के अपहरण का एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मासूम बच्ची के परिचित पर भी अपहरण का आरोप लगा है। घटना यह है कि लोनी क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर पुलिस मामले की जांच में इस वक्त जुटी हुई है। तो बच्ची के परिचित पर ही ये मामला सामने आया, जहां पर मासूम के अपहरण का वीडियो वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बच्ची का अपहरण किया गया। मासूम बच्ची के परिचित पर ही अपहरण का आरोप है। घटना थाना लोनी क्षेत्र की है, जहां पर पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और रामपुर में पिंजरे में तेंदुआ आखिरकार कैद हुआ। वन विभाग की टीम ने तेंदुआ पकड़ा। 2 महीने से तीसरा तेंदुआ ये पकड़ा गया है। ड्रोन कैमरे से तेंदुए की तलाश की गई है। इसके बाद टांडा तहसील के गांव करखेड़ा के जंगल से पकड़ा गया तेंदुआ। आपको बता दें, कई दिनों से तेंदुए के चलते ग्रामीणों में दहशत थी, लेकिन अब तेंदुआ पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। वहीं हमीरपुर जिले में भी जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां पर खेत में तिल की फसल की कटाई कर रही महिला पर सियार ने हमला कर दिया। इस दौरान महिला ने हसीये से सियार पर पलटवार करते हुए बचाव करने की कोशिश की। इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गई। पास में मौजूद दूसरे किसानों ने शोर सुनकर उसे बचाया। इस दौरान सियार ने भी एक किसान पर हमला कर दिया। नेपाल में लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ का असर अब उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, कुशीनगर, सोनभद्र में बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं। बारिश और बाढ़ को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और डीएम से लेकर तमाम अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत बचाव में जुटने के साथ साथ बाढ़ बारिश से नुकसान का आंकलन कर तुरंत मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं। जरा देखिए रिपोर्ट। नेपाल में बाढ़ का प्रलय काल, जल तांडव से नेपाल में हाहाकार। नेपाल में बाढ़ से 200 से ज्यादा मौत। नेपाल में कहर यूपी बिहार तक असर। यह नेपाल का कोसी बैराज। इस भयानक तस्वीर और लहरों की गर्जना से अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में मंजर कैसा होगा, कैसी तबाही मची होगी। बैराज से पानी की स्पीड देख पुल पर चीख पुकार मच गई। लोग पुल से भागने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पानी अपने साथ इस बैराज को भी बहा ले जाएगा। कोसी के इसी पानी की वजह से नेपाल में प्रलय जैसी स्थिति है। नदियां उफान पर हैं और गांव के गांव बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। 200 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है। कई लोग लापता हैं। नेपाल में आई तबाही का असर बिहार से यूपी तक हो रहा है। यूपी के तराई और पूर्वांचल के इलाकों में नदियां उफान पर हैं। गोरखपुर में घाघरा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ चुका है। गोरखपुर से होकर बहने वाली सभी नदियां इस वक्त उफान पे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही वो खतरे के निशान से नीचे गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से वो सारी नदियां चढ़ाव की तरफ हैं। इस वक्त आप घाघरा के रफ्तार को देखिए,
और उस रफ्तार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जितनी बारिश नेपाल में हुई है, अगर वो पूरा पानी इस साइड में आता है तो पूर्वांचल के कई जिले, साथ ही तराई बेल्ट के कई जिले इससे प्रभावित होंगे। नेपाल से छोड़े गए पानी से लखीमपुर खीरी से होकर गुजरने वाली शारदा, घाघरा और सुहेली नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। शारदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और उसके पानी से निघासन पलिया के 20 गांवों का संपर्क टूट चुका है। लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील के शारदा पुल के पास खड़े हैं, मेरे पीछे वीडियो लोग देख सकते हैं, शारदा पुल इस समय खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। बच को लेकर शारदा नदी ने पलिया और आपके निघासन दो तहसीलों में तबाही मचा रखी। लगभग 1 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित इस पानी से है। बाढ़ चारों तरफ फैली हुई है। पलिया कस्बा टापू बन गया है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो रेलवे का पुल है और जो ये सड़क मार्ग का पुल है, जो बिल्कुल पुल के ऊपर छूने को आमादा है बाढ़ का पानी। खतरे के निशान से लगभग 20 सेंटीमीटर ऊपर इस समय नदी शारदा बह रही है। अपने विकराल रूप में लगातार पानी का डिस्चार्ज बढ़ता जा रहा है और नेपाल के हिस्से से जो नदियां आ रही है उनका पानी भी डाइवर्ट होकर इसी नदी में आ रहा है, जिसको जिससे लेकर ये जो नदी है बिल्कुल उफान पे है, रौद्र रूप में है। लगातार नदी का उफान बढ़ता जा रहा है। नेपाल से गंडक नदी में छोड़े गए पानी से कुशीनगर में भी बाढ़ की बड़ी समस्या है। रास्ते टूट गए हैं और इलाके में नाव चल रही है। कुशीनगर जिले के खड्डा तहसील के लगभग आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क जिले के अन्य हिस्सों से कट गया है। आप देख सकते हैं कि इन गांव में जाने वाले रास्ते हैं, जो रास्तों में पानी भर गया है। यहाँ के लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं आप इसका सहज अंदाजा लगा सकते हैं। कितनी दुश्वारियां उठानी पड़ रही है, इनका जीवन कितना दुरा हो गया है ये खुद आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ ना आने का रास्ता है और ना ही जाने का रास्ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो नेपाल से निकलने वाली नदी नाराड़ी गंडक नदी है, इसमें लगभग 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद इन गांव में बड़ी संख्या में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। एक ओर नेपाल से छोड़े गए पानी से आई बाढ़ और दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश से यूपी के कई इलाके पानी पानी। मामले को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर पूरी तत्परता से काम करने के आदेश दिए। बाढ़ और बारिश प्रभावित जिलों में अधिकारियों को लगाए गए हैं। लोगों को राहत पहुंचाने और फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए जिला अधिकारियों को कहा गया है। महाराजगंज, बलिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, कानपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, गौतम बुद्ध नगर, हरदोई, शाहजहांपुर, सीतापुर में बाढ़ और बारिश से पैदा हुए हालात पर सीएम योगी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हरदोई से खबर, जहां पर आबकारी विभाग में शराब दुकानों के विक्रेताओं ने बिक्री लाइसेंस के लिए 90 लाख की फर्जी फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट लगाई है। अब इस धोखाधड़ी के मामले में जिला आबकारी अधिकारी ने 6 नामजद और 4 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई और दुकानों को सीज किया है। आरोप के मुताबिक दुकानों के रिन्यू में बैंक की फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह धोखाधड़ी शराब की दुकानों के नवीनीकरण और नई दुकानों के आवंटन के लिए की गई है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एफडीआर की जांच बैंक से की गई। जब बैंक से इनकी जांच कराई गई तो एफडीआर फर्जी निकली, उसी के आधार पर इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। कितने समय से ये लोग जो है, ये लोग, इनमें कुछ दुकानें 2021 और 22 से थी, कुछ दुकानें 2022 और 23 से थी, कुछ दुकान जो है इस साल ही ली थी। इस तरह से कुल 7 दुकानें थी और इन दुकानों का संचालन जो है सभी का सुरेश कुमार अग्रवाल के पुत्र जो है कुलदीप अग्रवाल द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने अपने नाम की फर्जी एफडीआर बनवा की हैं, जमा की हैं, वो भी इसमें शामिल हैं और उन्हें अभियुक्त भी बनाया गया है। आगरा में जनकपुरी महोत्सव में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कोठी मीना बाजार में सज गई जनकपुरी महोत्सव। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के स्वरूप जब मंच पर पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि ताज नगरी आगरा इस वक्त राममय नजर आ रहा है।
रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया। मुंबई में अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में हुए रिलायंस फाउंडेशन के कार्यक्रम में देश के लिए ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी पहुंचे, जिनका खुद नीता अंबानी ने स्वागत किया। इस मौके पर नीता अंबानी ने कहा कि रिलायंस फाउंडेशन खिलाड़ियों के लंबे संघर्ष का सम्मान करता है और देश का नाम रोशन करने के लिए उनका अभिनंदन करता है। तो ओलंपिक के योद्धाओं का सम्मान किया गया। ओलंपिक पैरालंपिक दोनों खिलाड़ियों को एंटीलिया में इनवाइट किया गया था। हम आपको बता दें, रिलायंस फाउंडेशन के कार्यक्रम में देश के लिए ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी पहुंचे, जिनका खुद नीता अंबानी ने स्वागत किया। और इस मौके पर नीता अंबानी ने कहा कि रिलायंस फाउंडेशन खिलाड़ियों के लंबे संघर्ष का सम्मान करता है। आज बड़ी स्पेशल शाम है। आज पहली बार भारत के सभी ओलंपियंस और पैरालंपियंस पैरालंपियंस एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ देम ऑल इंडियंस, वी आर प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। एंड टुडे we are going to honor them and show them the respect and the love that we have for them. On behalf of Reliance Foundation, we would like and we would wish that United in Triumph can become a movement for unity and inclusiveness in sport and in life. Or बस इसीलिए आज सेलिब्रेशन है, जहां वी आर गोइंग टू शो दैट ऑल ऑफ देम आर कमिंग टुगेदर एंड कमिंग यूनाइटेड टुगेदर। एंड थैंक यू सो मच, आप सबको धन्यवाद आज आने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद।